नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव थापर। मैं यहां पे डेंटल सर्जन जयपुर में, और मेरी क्लिनिक्स का नाम है थापर डेंटल क्लिनिक, जहां पे मेरी वाइफ भी मेरे साथ वर्क करती हैं, डॉक्टर रीना थापर। और हमारे क्लिनिक करीब 60 साल पुरानी हो गई है, जहां पे आधुनिक उपचार किए जाते हैं, और हम हर तरीके के यहां पे इक्विपमेंट है, लेटेस्ट जो वर्ल्ड में इक्विपमेंट है वो सारी हमारे पास है। और हमारी एक क्लिनिक इमली फाटक पे है, सिकार मार्ग इमली फाटक के बिल्कुल सामने, और एक है जौहरी बाज़ार में, हमारी थापर डेंटल क्लिनिक के नाम से ही क्लिनिक है। तो आज मैं आपको दांतों की बीमारियों की रोकथाम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि दांतों की बीमारियों की रोकथाम करना मुमकिन है आज के ज़माने में, और हमें इतनी जानकारी है इसके बारे में कि हम पेशेंट को अगर वो सिखा दें तो एक बार जो हमारे पास आ गया उसको आगे चल के बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि हमें दिन में 3 बार ब्रश करना चाहिए, हर खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी खाना फंसा रहेगा तो दांतों की बीमारी तो होना स्वाभाविक है। तो इसलिए हमें कहीं पे भी खाना फंसे नहीं रहने देना चाहिए, उसको ब्रश करके साफ़ कर लेना चाहिए। दूसरा है कि हमें मीठे पदार्थ या चिपकने वाली पदार्थ का सेवन या तो नहीं करें, और अगर करें तो उसके बाद हमें ब्रश कर लेना चाहिए। अगर ब्रश करके हमने साफ कर लिया, कुछ चिपका नहीं रहेगा तो भी ठीक है, तो भी बीमारी नहीं होगी। तीसरा होता है कि हमें सेहतमंद चीज़ें खानी चाहिए, जो दांतों के लिए ही नहीं बल्कि बाकी शरीर के लिए भी अच्छी हैं, जैसे फल हो गए, सलाद हो गए, और आजकल की जो ये फास्ट फूड्स हैं इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, टॉफ़ी चॉकलेट इन सब से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए हमें, अगर दांतों को हमें बचा के रखना है। फिर ज़रूरी है हमें कि ये पान मसाला वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे दांत ही नहीं ख़राब होते बल्कि कि शरीर में कैंसर भी होने का डर रहता है, और सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जो जाता है वो मुंह का कैंसर है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, पान मसाला सिगरेट इन सबसे। अब आता है कि ब्रश के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक सिंपल ब्रश है, हमें इस तरीके के ब्रश को चूज़ करना चाहिए जिसका जो इसको हम हेड कहते हैं ब्रश को, ये पतला होगा, ठीक है, तो जितना पतला होगा उतना अच्छा है। तीसरा, ये जो ब्रिसल्स हैं इसके नरम होने चाहिए, जिसको सॉफ्ट ब्रिसल्स कहा जाता है। तो ये सॉफ्ट ब्रिसल्स अच्छे होते हैं, क्योंकि दांतों के बीच में भी ये घुस जाते हैं ब्रिसल्स, और अच्छी तरह सफाई कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रिसल्स जो हैं हैंडल से पैरेलल होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। टेढ़े मेढ़े ब्रशेस को आपको ब्रश करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे सिंपल ये होता है कि ये ब्रिसल्स इसके हैंडल के पैरेलल हों, ये पतला हो, इसका हेड पतला हो और ब्रिसल्स सॉफ्ट हो, ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए एक अच्छे ब्रश के लिए। आपको पेस्ट लगाने की जो मात्रा होती है वो भी बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर इसके ऊपर लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा पेस्ट लगा के हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा वो पेस्ट वेस्ट ही होती है। अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि ब्रश करने की विधि क्या होती है, तरीका क्या है ब्रश करने का। उसमें दांतों में जैसे ऊपर के दांतों की ये बनावट है, तो इसमें हम ब्रश को ऐसे नहीं रखेंगे, जैसे आप देखिए ये ऐसे नहीं रखना है, इसको 45 डिग्री के ऊपर ऐसे रख के मसूड़ों से अड़ाना है, और फिर हमें इसको छोटे छोटे आकार में गोल घुमाना होता है ब्रश ब्रिसल्स को, और छोटे छोटे गोले बनाते हैं, जबकि ब्रश एक ही जगह टिका हुआ है, ये ऐसे ऐसे नहीं घूम रहा है ब्रश, तो इसको एक ही जगह पर रोक के ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे गोले बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे हम एक एक दांत को साफ करते हुए आगे चलते जाते हैं, जब तक हम आखिर के दांत पे नहीं पहुंचते। फिर ब्रश को घुमा के हम अंदर ले आते हैं तालू की तरफ, और इनको सबको ऐसे छोटे छोटे गोलाकार में साफ करते हुए फिर बाहर आ गए, और यहाँ से ब्रश करते हुए इधर आके हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो ये हो गई ब्रश दांत को साफ करने का। अब चबाने वाला हिस्सा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कीड़े लगते हैं, इधर भी हम छोटे छोटे गोले बना के इनको साफ कर सकते हैं, और अंत में इसी ब्रश से अपनी जबान को, अपने मसूड़ों को और गाल के अंदर की तरफ सारी जगह इस ब्रश से ही हमें सफाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि कहीं पे कोई कीटाणु जमे ना रह जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ब्रश को हम जब काम में लें इसको एक बार गीला कर लें, जिससे ये ब्रिसल्स और सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसको बदलना कब चाहिए, जब इनकी ये ब्रिसल्स इस तरीके से टेढ़े हो जाएं, जब ये टेढ़े हो जाते हैं तो इनको बदल लेना चाहिए,
या आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेट जो ब्रशेज हमें मिलते हैं वो हमें करीब 20-25 दिन में ख़राब हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो उन ऐसे ब्रश को हमें चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी सफाई करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। एक अच्छा ब्रश लेंगे तो दांत अच्छे साफ रहेंगे। तो ये थी दांतों की रोकथाम के बारे में कुछ जानकारी। इसके बारे में और भी हम आपको आगे मैं बताना चाहूँगा, डिटेल में हम बताया करेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।